खबर पंचायत चुनाव को लेकर, जहां जनपद मुरादाबाद से जिला पंचायत वार्ड में प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। प्रचार के लिए सुंदरपुर चाऊपरा नया पंचायत पहुंचे गन्ना समिति चेयरमैन चौधरी विजयपाल सिंह अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इस दौरान अभय केसरी के संपादक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने उनसे जाना कि उनकी क्या प्राथमिकता रहने वाली है, किस आधार पर वह जनता के बीच पहुंचे हैं और यदि वो चुनाव जीते तो वार्ड 11 की जनता को क्या देंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदस्यों की 3051, ब्लॉक प्रमुखों की 826, क्षेत्र पंचायत सदस्यों की 75,855, ग्राम प्रधान पद की 58,194 और ग्राम पंचायत सदस्यों की 7,31,813 सीटें हैं। इनमें 51% सीटें अनारक्षित हैं, तो वहीं 1% अनुसूचित जनजाति, 21% अनुसूचित जाति, 27% अन्य पिछड़ा वर्ग और 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आज सुंदरपुर चाऊपरा ग्राम पंचायत में विजयपाल सिंह जी पहुंचे हैं। आइए आज हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं। जी विजयपाल जी बताइए। जी क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं? जी मैं चौधरी विजयपाल सिंह, चेयरमैन गन्ना समिति कांट, और मैं 2-3 चुनाव पहले जिला पंचायत के वार्ड नंबर 11 था, ये उससे लड़ चुका हूँ। उसमें परिवर्तन हो गए, उसका कुछ हिस्सा इसमें आने के बाद ये 10 का परिवर्तन 11 पे हो गया। वो वार्ड यहाँ बढ़ने की वजह से हमारे जनपद में परिसीमन नहीं हुआ था, तो परिसीमन अब हुआ। मैं लगातार 2006 से गन्ना समिति कांट का चेयरमैन रहा हूँ। विकास कार्य की जहाँ तक बात है, क्योंकि हमारे ही परिवार में, विजयपाल जी आपने बताया कि आप जिला पंचायत वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़े हैं जी। और संभवतः आपने बताया कि 3 बार आप चुनाव लड़े हैं जी। तो क्या आप जीते थे या नहीं जीत पाए थे चुनाव? वो जातीय समीकरण के हिसाब से चुनाव तीनों हार गए थे और किनारे पे सेकंड पोजीशन पे चुनाव हारे हैं। एक बार 70-75 वोटों चुनाव हारे, उसके बाद 300 वोटों चुनाव हारे, फिर उसके बाद जो है 300-400 वोटों चुनाव हारे हैं। लगातार हम इसमें प्रयासरत हैं। थोड़ा सा मेरे परिवार में एक मेरे पास एक और प्लस पॉइंट है, क्योंकि छलियाट से ब्लॉक प्रमुख 2005 से हम लगातार 3 टन ब्लॉक प्रमुख, हमारे छोटे भाई की चौधरी राजपाल सिंह की पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं। बीच में ऐसी सीट एक बार 1 टन में होगी, तो उसमें हमने अपने नौकर की पत्नी लड़ाई थी, तब लगातार 3 टन से हम यह प्रमुख हैं। विकास कार्य की जहाँ तक बात है, हर गांव में हमारी विकास कार्य में भागीदारी है और बहुत मजबूती के साथ है मामला विकास कार्य। अब जहाँ तक दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा विजयपाल जी, ये बताइए, जैसे चूंकि आप वार्ड 11 जो पहले था मुरादाबाद का जिला पंचायत वार्ड 11 है, उसमें आप लगभग 3 चुनाव आप लड़े, लेकिन तीनों बार आपको जो है जनता ने जो है नेगलेक्ट कर दिया, ऐसे वो क्या कारण रहे या फिर ऐसा कुछ अब क्या हो गया है कि अब जनता आपको जो है चुन लेगी? वो उसमें जातीय समीकरण, उसमें बिरादरी हमारी कम होने की वजह से दूसरे लोग आए। जैसे क्या, एक बार एक मुस्लिम लड़ा पहले चुनाव में, एक मुस्लिम अकेला लड़ा और उसमें तीन चार जाट लड़े, तो स्वाभाविक बात थी कि वो जीतना चाहिए था, वो जीत गया। अगले चुनाव में ऐसा हुआ कि वो अगले चुनाव में बसपा से हम प्रयासरत थे, BSP से सरकार चल रही थी, उसमें BSP ने एक लाखन सिंह सैनी एडवोकेट मुरादाबाद के हैं, क्योंकि वो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी वो SC में आ गई थी, तो उन्होंने उसमें बसपा में उन्होंने उसे लड़ा दिया था अपने उसे क्या नाम है, सामान्य सीट तो सामान्य थी वो, लेकिन वो कैंडिडेट जो था वो बसपा का कैंडिडेट था और वो अपनी बिरादरी सैनी से होने के नाते उधर प्लस जाटा जुड़ने के बाद उसमें भी हम चुनाव हार गए। तीसरे चुनाव में भी यही हुआ, जाट हमारी बिरादरी के जाट ज़्यादा लड़ने की वजह से और पाँच जाट लड़ने की वजह से वो अकेला एक आदमी लड़ा तो वो चुनाव जीत गया, फिर भी वो जाट जीता। उसमें पिछली बार में जाट जीता, कोई बात नहीं, वो तो ये चुनावी समीकरण बदलते बदलते रहते हैं। चुनावी समीकरण ऐसा नहीं है कि जीतना चुनाव जरूरी है, ऐसा तो नहीं है कि चुनाव जीतना जरूरी। अब चुनाव में 10 आदमी लड़ेंगे तो 9 हारेंगे। अच्छा, अब चूंकि ये जो वार्ड है मुरादाबाद का, ये नया वार्ड सृजित हुआ है, 11 नंबर वार्ड बना है, तो इस वार्ड में ऐसे वो कौन से समीकरण आपको लग रहे हैं कि आपकी जो जीत है वो होने वाली है या आपको मतलब जनता जो है आपको जो है स्वीकार करने वाली है, आपको ऐसे वो कौन से समीकरण लग रहे हैं जी? उसमें 2 बात है जी। एक तो मैं जाट बिरादरी, मेरी बिरादरी जाट है, जाट का वोट सबसे अधिक है, कैंडिडेट जाट कम है। दूसरी, आज की तारीख में
किसान इतना परेशान है, किसान वहाँ दिल्ली में पड़ा है 3.5 महीने हो गए। अच्छा विजयपाल जी, आपने अभी एक बात बताई जाट बरादरी, तो क्या बरादरी से ही चुनाव लड़ेंगे आप या और दूसरी बरादरी, मतलब ये थोड़ा सा बताइए। नहीं चुनाव तो बिरादरी का, पहले सबसे पहले बिरादरी, अगर मान लीजिए बिरादरी बिल्कुल उस आदमी की वहाँ को नहीं है तो क्या चुनाव लड़ेगा? बिरादरी के बाद अदर मतलब किसान, हम लड़ेंगे किसान के मुद्दे पे। वो किसान का मुद्दा क्या है? सरकार ने झूठ बोल के हम लोगों से वोट ले लिया, सरकार ने झूठ बोल के कह दिया कि आए दुगनी करेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट ने, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया था, मैं भी बीजेपी में था, लेकिन अब नहीं हूँ, अब बीजेपी में नहीं हूँ, क्योंकि ये किसान का जो अत्याचार हो रहा है, किसान को जो बेमौत मारा जा रहा है, हम जो चीज लेना नहीं चाहते वो गवर्नमेंट हमें जबर से देना चाह रही है, तो हम ऐसा, और गवर्नमेंट ने झूठ बोल के वोट ले लिया, कह दिया हम आए दुगनी करेंगे, आए दुगनी क्या, अगर ऐसे ही चलता रहा और एक टन बन गया। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जो सरकार है वर्तमान में केंद्र सरकार, जो कृषि को लेकर जो कानून लेकर के आई है, आप उसके जो है खिलाफ, मतलब उसको नहीं, आप नहीं चाहते कि सही नहीं हो उनके, हम खिलाफ है कानून के, हम नहीं चाहते वो वापस करे गवर्नमेंट, और वापस करने के बाद फिर बात करें, हमसे आगे बात करें, फिर हमारी बिरादरी से बात करें कि हम लोग अब उसमें हमारा क्या निर्णय रहेगा अगले आने वाले चुनाव में। अब तो हमारी बिरादरी और किसान, बिरादरी कुछ नहीं किसान इस बार गवर्नमेंट से नाराज है इस बात को लेकर कि हमारे ऊपर ये कानून क्यों थोप रहे हैं आप, ये कानून हम बाबत लो, हमें अपना काम करन दो। अच्छा आपने अभी एक बात कही कि सरकार ये कहती है कि 2022 में जो है वो है आय जो है दुगनी करने की बात जो है सरकार ने कही थी, तो क्या आपको लगता है कि चूंकि 2021 चल रहा है और 2022 आने वाला है, क्या लगता है कि किसान की आय जो है दुगनी हुई है? नहीं अरे वो तो सब झूठा जुमला है, जब 4 साल में दुगनी ना हुई तो अब 6 महीने 8 महीने में कहां से दुगनी हो जाएगी? अब तो सरकार के कपड़े छूटने मुश्किल पड़ रहे हैं, किसान परेशान है, किसान की आय का दुगनी का कोई भी एंगल नहीं है, जो जैसी स्थिति चल रही है। बिजली के बिल देखिए, वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक बिल है। डीजल के रेट देखिए, पेट्रोल के रेट देखिए, 82 रुपये लीटर डीजल, 100 रुपये लीटर क्या नाम है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल, और गन्ने का इस बीजेपी की गवर्नमेंट ने आज तक 20 साल में 20 रुपये बढ़ाए हैं, और गवर्नमेंटों ने 140-140 रुपये बढ़ाए हैं। लागत बढ़ी है, किसान की लागत बढ़ी है, तो लागत के हिसाब से भी रेट नहीं बढ़ाए इन्होंने। यूरिया के कितने रेट हो गए, एनपी के डाई के कितने रेट हो गए, किसान परेशान है, किसान इस बार बिल्कुल भी कोई मौका देने के नहीं, आज की तारीख में मूड में नहीं है। अच्छा विजयपाल जी, आपने अभी बताया कि आप गन्ना समिति कांठ में जो है शायद चेयरमैन हैं, आप सोसाइटी चेयरमैन हैं, तो जो सोसाइटी चेयरमैन होता है एक पद होता है, इसका बहुत बड़ा दायित्व भी होता है, पूरा एक जो सोसाइटी का एरिया होता है। अब जैसे गन्ने का सीजन चल रहा है और इस गन्ने के सीजन में लगातार जो है घटतौली हो रही है, किसान परेशान हैं कि साहब सेंटर जो है, खासकर जो सिहारा मिल है, जैसे दीवान शुगर मिल आता है, राणा हो, चाहे बहुत सारे मिल हैं, कि साहब घटतौली चल रही है, तो सोसाइटी की तरफ से आपने कभी क्या किस तरह का कोई मान लिया सेंटर पर या कहीं ऐसा कोई अभियान चलाया? ये गन्ने का बोर्ड पिछले साल अप्रैल में 5 अप्रैल को बोर्ड भंग हो गया है, कंट्रोलर उस पर रिसीवर बैठा दिया, जिला गन्ना अधिकारी पावर कर रहे हैं। ये टाइम पूरा 5 साल हो गया था और गवर्नमेंट ने चुनाव नहीं कराया, चुनाव इसमें लटका पड़ा है, ये चुनाव ड्यू है। अब मैं गन्ना समिति कांठ का पूर्व चेयरमैन हूँ, चेयरमैन नहीं हूँ। जब तक मैं चेयरमैन रहा तब तक रोज इंस्पेक्शन लिखवाए, रोज घटतौली पे वो करा, और चीनी मिलों पे पूरा दबाव रखा, पेमेंट का भी कराने का भी, लेकिन चेयरमैन की क्या पावर है इतनी जब सरकार ही नहीं चाहती। 14 दिन में सरकार ने झूठ बोल दिया, मैं भी अब 14 दिन में पेमेंट नहीं होगा, ब्याज देंगे। अब उन्होंने केन कमिश्नर को वो कर दिया कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा कि ब्याज से ही पेमेंट किया जाए, तो वो तो उन्होंने पावर कर दिया केन कमिश्नर, केंद्र कमिश्नर को कैंसिल कर दिया, कह दिया कि ब्याज नहीं दिया जाएगा। वो सब धान लिया सरकार की, सरकार किसान को नहीं चाहती, सरकार किसान को नहीं पनप देना चाहती। किसान का फंडा, इनका जो फंडा है वो ये चला रहे हैं हिंदू मुस्लिम काट करके, इनमें लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। लड़ाने से क्या बोले, अब ये लड़ेंगे, अब ये धरना चल रहा है, धरने में उनका क्या मन है कि ये ऐसी धीरे धीरे चलता रहेगा तो ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, जाने वाला कोई किसान वहाँ नहीं है। वहाँ भले ही अब संख्या कम हो, लेकिन कोई समय आएगा, कोई जरूरत पड़ेगी तो लोग लाखों में वहाँ फिर पहुँच जाएंगे। अच्छा विजयपाल जी, मान लीजिए आप जिला पंचायत मेंबर बन जाते हैं, तो इस वार्ड नंबर 11 की जो जनता है उसके लिए आप ऐसा क्या कुछ करेंगे, इस जनता को क्या कुछ देंगे आप? वो विकास कराएंगे जी। कैसे विकास? सड़कें बनवाएंगे, गांव-गांव रोड बनवाएंगे। हम प्रमुख रहे 15 साल, हर गांव में रोड बनवाई है, हर गांव में विकास करवाया। गन्ना समिति में मैंने इतने काम करवाए कि तमाम जगह गन्ना समिति से काम करवा दिए,
वो विकास कराएंगे, हमारा काम विकास कराना और अपने लोगों के साथ में रहेंगे, अपने लोगों की मदद करेंगे। रात बिरात कोई भी दिक्कत आएगी, कहीं का कोई काम होगा तो रात के 12 बजे जाएंगे, अपने साथ अपने सवारी से जाएंगे, निःशुल्क उनकी सेवा करेंगे। अच्छा, क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, क्या जनता का सहयोग लगातार मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा, जनता का सहयोग बिल्कुल मिल रहा, कहीं से कोई निराशा नहीं मिल रही, जनता का सहयोग मिल रहा है। और ऊपर वाले ने चाहा तो देखो, किसी बात का चैलेंज तो होता नहीं है, सिक्योरिटी तो होती नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग लड़ते तो एक ही जीतता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 99% आपके मैं चुनाव जीतूंगा। आप विजयपाल सिंह जी हैं और आपका कहना है इनके जो मुद्दे रहने वाले हैं, किसान के मुद्दे रहने वाले हैं, आम जनता को जो है न्याय दिलाएंगे। आपका कहना है कि आप 15 वर्षों से लगातार ब्लॉक में प्रमुख हैं और इन्होंने जो है अपने प्रमुख काल में लगातार यहाँ खड़ंजे बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं जनता जो है उसका जो पारितोषिक है उसके रूप में, वोट के रूप में इनको देने वाली है आने वाले। चूंकि आप समझ ही रहे हैं कि चुनाव का दौर चल रहा है और बहुत जल्दी इलेक्शन यहाँ पर होने वाले हैं। आप थे विजयपाल सिंह जी और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।